वैसे डॉक्टर साहब, औलाद कितनी नेमत है और वालिदैन कितनी नेमत है, ये जब दोनों बहम बिछड़ते हैं ना, ये मुझसे पूछिए आप। फिर मेरे अब्बू नहीं है, फिर कदर होती है। मेरे अब्बू नहीं तो मुझे बहुत याद आते हैं। कई लम्हात ऐसे होते हैं कारी साहब जहाँ मैं अपनी माँ को और अपने बाप को बहुत याद करता हूँ। सही बात। और मैं उनका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, कोई माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। और कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लम हजरत हसनैन जब आपके पास आते हैं ना गोद में, एक तो होता है चूमना, बोसा लेना, और एक है सूंघना, जैसे इंसान फूल को लेके सूंघता है। हदीस में आते हैं अल्लाह के रसूल बोसा भी लेते फिर सूंघते। साहब आपको भी याद आ गए घर में कोई याद आ गया? अम्मी अब्बू कौन याद है? मुफ्ती साहब मत बहने दीजिए आंसू, ये तो बड़े प्यार के आंसू। महाराज डॉक्टर साहब, ये एक मैं जब भी ये देखता हूँ तो जाहिर है जो औलाद वाले हैं वो उसका दर्द समझ सकते हैं, तो मेरी एक दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला किसी भी वालिद या वालदा को औलाद का दर्द ना दे। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मुश्किल, बड़ा सख्त दर्द होता है। बड़ा अहम सवाल किया जा चुका है, और सवाल ये है कि यौम अली जो कि 21 रमज़ान मुबारक को, इसको हम कहते हैं कि 21वीं शब पर जो है मौला कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम शहादत के दर्जे पर फायज हो गए, तो उससे पहले 19 रमज़ान मुबारक को उनको ज़रबत लगी थी और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने उन पर हमला किया था। तो अब मेसबी साहब का कहना यह कि अखबार की हेडिंग इन्होंने बताई और उस अखबार में लिखा है कि सिंध हुकूमत ने यौम अली के जुलूस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है। तो मेसबी साहब का कहना है कि बैन तो ये कभी नहीं हो सकता और होगा नहीं, और इससे एक इख्तलाफी नुक्ते निगाह सामने आएगा और इससे एक अफरा तफरी पैदा हो सकती है, बजाय इसके कि आप SOPs बनाएं, बजाय इसके कि आप मिलकर बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें, और इसको या तो आर्जी तौर पर अगर मुअत्तल करना है तब भी वो भी बताएं, लेकिन आप ख़ुद से फैसला ना करें। मेसबी साहब का कहना है कि हम इस फैसले को कबूल नहीं करते, लेकिन जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाए, वो भी अपना कोई मौक़िफ़ बताना चाहते हैं। जी साहब, लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ तक मसला कोरोना वायरस की वबा के आने के साथ उलमा का और हुकूमत के माबेन जो हमारा एक नमाजों के हवाले से ये जो SOPs तय हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमतों की तारीख में पहली दफ़ा किसी, बल्कि पाकिस्तान की जो PTI हुकूमत है इसके पहली दफ़ा उन्होंने एक मुअस्सर अंदाज से एक आकेलाना तौर पर ये इन्होंने सिलसिला किया कि उलमा को बिठा कर SOPs तय करके फिर जुम्मा और बाकी इज्तिमात की इजाज़त दी। इसके बाद जो सिंध हुकूमत ने एक जिसको कहते हैं स्टेप लिया कि 5 अफराद ही मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, और उस पर जो उन्होंने मसाजिद के अंदर बदतमीजी का तूफान बपा किया, उलमा की तोहीन की गई, गिरफ्तारियां की गई, जुर्म क्या है मौलवी का कि उसने नमाज पढ़ा दी है? और ये सिंध हुकूमत के वो सैयद साहब जो अपने आप को सैयद कहते हैं वज़ीर-ए-आला साहब, ये उनके इकदाम हुए। लेकिन डॉक्टर साहब इसके बावजूद उलमाए अहले सुन्नत वो किसी तसादम की राह पर नहीं आए, उन्होंने कहा है चलो ठीक है गवर्नमेंट रोकती है तो इस सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाया गया। अब भी आप देखें कि जुम्मे के इज्तिमात रोकने के लिए 12 से लेकर 3 बजे तक कर्फ्यू होता है सिंध गवर्नमेंट के यहाँ, हालांकि इनकी वफाकी हुकूमत का एक SOP सदर मुमलकत के जरिए तमाम हो चुका है। और फिर यहां आप देखें कि जो जुम्मे की रात को यहाँ शब खून मारा गया है, वजीर आला साहब ने रात 12 बजे वो ऑर्डर दे रहे हैं, हालांकि वहां तय हो चुका है गवर्नर के साथ मीटिंग में उलमा ने तय कर दिया है कि SOPs पर अमल करते हुए जुम्मा होगा। अभी मैं आपके चैनल से बाहर ये जो इम्तियाज मार्की थे इसके बाहर अभी 5 मिनट पहले जमाने से बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन इस तरीके से बनी हुई है, ये वो जो ये बिल्कुल आपके ये गेट के बाहर स्टोरेज, और अगर मैं कहें तो अभी तस्वीर के है, हम तो रोज देखते हैं। अब कहने का ये मतलब है कि क्या इन लोगों की ये वाजे तौर पर ये दीन दुश्मनी नजर नहीं आ रही है? फिर ये कहते हैं उलमा हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, भाई कोरोना सिर्फ मस्जिदों में आ गया, बात आ गई है यौम अली के वाले। इनका मसला है और भी मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, जी जी ये तो अपने के खिलाफ हो गया। मेरी मैं बात कर रहा हूँ अभी जो एक है यौम अली का या उनकी मोहब्बत का, वो एक शियों के नहीं है, मौला अली पाक हर मोमिन के हैं। वाह वाह। और उनका यौम शहादत उसका जो गमनाकी नमनाकी है वो सिर्फ शियों की नहीं है, वो हम सब की है, और उस दिन को जो जिक्र अली है वो हमारे ईमान का हिस्सा है और एक बहुत बड़ी तारीखी हकीकत है। देखें मौला अली की मोहब्बत के बगैर बंदा मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, ये एक अलग चीज है। लेकिन अब उसका मकसद ये नहीं है
कि अगर गवर्नमेंट एक इज्तिमा पर पाबंदी लगाती है, मुझे एक बात बताएं, अगर योम अली का इज्तिमा जबरदस्ती एक कम्युनिटी करती है जो सबको पता है 5% 8% जो भी है अक्सरियत में नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट सिंध या पूरे पाकिस्तान की हुकूमत ईद के इज्तिमा रोक सकती है, जुमतुल विदा के इज्तिमा रोक सकती है, नहीं, बाकी जो इज्तिमा हैं वो रोक सकती है? तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इस हवाले से, चूंकि ये एक इवेंट है शिया कम्युनिटी का कि वो उस दिन को अपने जुलूस निकालते हैं, आजादारी करते हैं, गवर्नमेंट उनको महदूद हवाले से इजाजत देने के लिए SOPs बनाने के लिए उनसे बेशक मुजाकरात करे, महदूद बनाने पर इजाजत दी जाए। वैसवी साहब का एतराज बजा है, और जिस तरह मसाजिद अहले सुन्नत की मसाजिद पर जो एहतियाती तदाबीर लागू करके और उनको कुछ करने की इजाज़त दी गई है, उस तरह इजाज़त इनको भी होनी चाहिए। और अगर खुली सरेआम बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमेशा होता है, अगर उस तरह ये जुलूस निकलता है तो ये गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, फिर अहले सुन्नत जो 95-96% यहाँ आबादी मौजूद है उनके क्राउड को जो अब ताक रातों में होने वाला है, ईद के इज्तमा में होने वाला है, फिर उसके बाद 22 से उनको ये रोकेंगे तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा किस तरीके फसाद की कैफियत पैदा हो जाएगी। ये बेहतर ये है कि जो मेजबी साहब फरमा रहे हैं वो मैं जो समझाऊं, पूरा मकसद वो ये कि मेजबी साहब फरमा रहे हैं हमसे SOPs बैठ के तय किए जाए, हमें बुलाया जाए, हमसे बात की जाए, वरना हम बैन वैन ये नहीं मानते, यही बात है। और ये भी दुरुस्त है डॉक्टर साहब के जिस तरह सारे कह रहे हैं कि ये कुछ कानून से हटकर पुलिस भी अपनी तरफ से मनमानी कर रही है, बहुत सारी कर रही है, डबल सवारी बिला वजह में जी जी हाँ बहुत सारे। बल्कि कल मैं खबर पढ़ रहा था दादू में मौली साहब को 5 मिनट तक मुर्गा बनाया नमाज पढ़ाने, ला हौला वला कुव्वत, मुर्गा बनाया है और उसके बाद 10-15 उठक बैठक करवाई, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। और ये यानी मुसलमानों के मुल्क में हो रहा, और इनकी अपनी हालत ही काबिले मज़म्मत, हिंदुओं के बुतों के ऊपर जाकर मोमबत्तियां लगा के वो उनकी वो जो क्या रस्में होती है वो ऊपर घुमा घुमा के वो कर रहे हैं और मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर रहे हैं। लाहौर के अंदर आप देखें हमारे जो अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े बेटे इब्तिसाम अली ज़हीर, उनके ऊपर पाबंदी लगाए जुम्मा में, जब उन्होंने नमाज शुरू करा दी तो पीछे कुछ लोग जैसे अब वो तो नमाज में मसरूफ हो गए, चौकीदार बिठाया हुआ था वो भी नमाज में आ गया, कुछ लोग ज्यादा आके मस्जिद में घुस गए। अब उन लोगों ने जहाँ निशान लगे हुए थे कुछ उसने शायद पीछे वालों ने पाबंदी नहीं की होगी, आगे वालों ने की हुई थी, तो वो पर्चा भी इब्तिसाम अली ज़हीर पर कटा। तो ये बहुत सारी जगहों पर ये पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सही सही, मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल से हमारी उलमा की ये एक मुश्तरका और एक आवाज अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहुंचाई है। अल्लाह ताला आपको भी जजाय खैर दे और एक्सप्रेस चैनल को भी जजाय खैर दे। मेरा ख्याल है बाकी सारे चैनल डर के, एक आपका चैनल ही अल्हम्दुलिल्लाह दिलेर है, बाकी सारों ने प्रोग्राम या तो कैंसिल किए हुए या दो दो तीन तीन साल पुराने चला रहे हैं उसी में गुजार, और आप माशाल्लाह लाइव चला रहे हैं और नया चला रहे हैं।